हेलो दोस्तों, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अक्टूबर मंथ में आप लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगा, तो अभी गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। तो आज भी एक गुड न्यूज़ निकल के आया, आज सुबह सुबह एक बहुत ही ताज़ा खबर निकल के आया है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो अमित शाह के साथ मीटिंग होने वाला था वो फिक्स हो गया है और बहुत कुछ बताया गया है कि मीटिंग में क्या होगा, आप लोगों का ज्वाइनिंग का बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर सहायता करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल को सपोर्ट किया उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGS से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुड न्यूज़ क्या है। तो ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये एक दो ये तीन स्क्रीनशॉट है, ये हिंदी में भी है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी दे दूंगा, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो मैं लेकिन आप लोगों को इंग्लिश वाला पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हैप्पी टू इन्फॉर्म ऑल द लेबर ब्रदर्स ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली ऑफ इंडियन रेलवे वेयर हाउसेस वर्कर्स यूनियन दैट अ मीटिंग विद ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन रेलवे वेयर हाउसेस लेबर यूनियन अरुण कुमार पासवान, एन इंपॉर्टेंट एंड सक्सेसफुल मीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल इंचार्ज मनोरंजन कुमार पासवान जी, आवर लेबर यूनियन गार्जियंस ऑनरेबल जगदम्बिका पाल जी एंड स्पेशल ऑफिशियल्स, इन विच अ लॉट अबाउट्स द फ्यूचर ऑफ आवर लेबर यूनियन वर्कर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अमित शाह के साथ मीटिंग होने वाला था वो मीटिंग होने वाला है अभी, आपका अमित शाह के साथ साथ आपका अरुण कुमार पासवान जी और मनोरंजन कुमार जी, साथ में आपका जगदम्बिका पाल जी भी प्रेजेंट रहेंगे, और उन लोग हमारे भविष्य के बारे में बात करेंगे, हमारे जितने भी श्रमिक भाई उन भविष्य के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी डिस्कस एट द सेम टाइम इन द कमिंग मंथ ऑफ नवंबर, एन इंपॉर्टेंट जनरल मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी एंड सीनियर लीडर हुज डेट एंड लोकेशंस विल बी कन्फर्म बाय होम मिनिस्टर विच विल बी सून बी ऑन आवर ऑफिशियल फेसबुक पेज, यूट्यूब ऑन द ट्विटर पेज विल वर्क टू पब्लिश। तो यहाँ पे कहा गया है कि जल्दी ही आपका कमिंग मंथ में नवंबर में एक महासभा होने वाला है, जहाँ पे आपको ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज़ देगा वहाँ पे। तो इसीलिए आप लोग जितने भी श्रमिक भाई उन लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं महासभा पे, वहाँ पे आप लोगों को गुड न्यूज़ निकल जाएगा, वहाँ पे हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, जितने भी श्रमिक भाई है सबका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, वहाँ पे आप लोगों को ज़रूर गुड न्यूज़ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ गुड न्यूज़ मिल जाए। तो और नेक्स्ट पेज में देखिए क्या दिया गया है, इट विल बी हिस्टोरिकल डे फॉर आवर लेबर ब्रदर्स विच विल बी रिटन ऑन गोल्डन पेज ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज आवर लेबर ब्रदर्स सिस्टर्स मदर्स एल्डरली एंड यंग कलीग्स हु हैव इयर्स ऑफ ड्रीम्स हैव बीन इनकम्प्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर टू बी द वर्क विल बी डन। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो महासभा होने वाला है ये आपका बहुत ऐतिहासिक पल होने वाला है, जो सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा, मतलब एक बहुत बड़ा महासभा होने वाला, जहाँ पे लगभग 10 लाख के आसपास लोग रहेंगे, इकट्ठे होंगे, दूसरे यूनियन के लोग भी आएंगे, और ये एक सुनहरे पन्नों पे लिखा जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे भाई बहन माता पिता का सपना पूरा होने वाला है। तो और यहाँ पे लिखा गया है कि सो ऑल द इंडियन रेलवे वेयरहाउस वर्कर्स यूनियन लेबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री आर रिक्वेस्टेड टू नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ आवर राइट्स, मतलब यहाँ पे क्या गया है कि जो भी यहाँ पे आएंगे उन लोगों को रूल्स उल्लंघन करने से मना किया है, यहाँ पे जो रूल्स दिया गया वही फॉलो करना होगा आप लोगों को, विथ फुल एंथुसियाज्म एंड पेशेंस टू गेट आउट योर राइट्स एंड Rights, workers to reach the public gathering to welcome the Honorable Home Minister, so that with the courage that our Shramiko made the important contributions of high profit from the government of India and Indian Railways in the Corona period, the Indian Railway Godam is कमेंडेबल। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी लेबर लोग लेबर भाइयों लोग जो कोरोना का समय में भी इतना काम किया है, दूसरे के घर तक सामग्री पहुँचाने का काम किया है, उन लोगों को सैल्यूट किया है यहाँ पे, और उन लोगों को मतलब एक खुशी जताया है कि जो भी उन लोगों का रिक्वेस्ट है, उन लोगों का मांग है, वो पूरा होने जा रहा है यहाँ महासभा में, जब अमित शाह आएंगे तो वो अनाउंस कर देंगे वहाँ पे। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं महासभा में, जितने हो सके आप लोग इकट्ठा हो जाइए महासभा में, तो जितना आप लोगों का यूनियन का पावर दिखाएगा उतना तगड़ा होते जाएगा ये।
तो यही कहा गया है, वर्कर्स और लेबर यूनियन मेक देयर स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन रेलवे गुड डिपार्टमेंट विद योर ब्लड एंड स्वेट्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि खून पसीना से जितने भी वेयरहाउस वर्कर्स में कमाई होता है वो 70% इंडिया का जो भी इकोनॉमी इनकम होता है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए लेबर भाइयों का जो भी मांग है वो पूरा होना चाहिए, ये कहा गया है। तो फिर इसमें इट्स टाइम टू वॉक शोल्डर टू शोल्डर विद द गवर्नमेंट, यहाँ पे कहा गया है कि कंधे से कंधे मिलाने का टाइम आ गया है गवर्नमेंट का साथ में। दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द रियल राइट ऑफ आवर वर्कर्स दैट हैव वेक्ड, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक आवर राइट्स एंड मेक द वर्कर्स यूनियन विक्टोरियस। आई रिक्वेस्ट माई लेबर ब्रदर एंड सिस्टर विद फोल्डेड हैंड दैट वी विल डिलीवर to our laborer brothers who have not received the message of the Mahasabha. This fight is not for the laborer workers along in the railway but for working in all the warehouses of the country. Organized labor have their right, don't let their struggle go empty and let this message reach all the warehouses workers in the country, then only we will win. In this great country with unity is diversity like India, the position of workers was the highest and will remain the highest. I request all the labor brother that you do not worry, your problems will be solved soon. और यहाँ पे कहा गया है कि लेबर यूनियन तब भी पहले था, अब भी पहले और आगे भी पहले रहेंगे, इसीलिए सभी भाइयों को रिक्वेस्ट कहा किया गया है कि महासभा में अटेंड करने के लिए, और जिन जिन श्रमिकों को अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है आप लोगों को पहुंचाने का काम करने के लिए कहा गया है। जितने लोग इकट्ठा होंगे उतने अच्छे होंगे, इसीलिए आप लोग जितना हो सके वहाँ पर इकट्ठा हो जाइए, आप लोगों को ज़रूर गुड न्यूज़ मिलने वाला है। वहाँ पर अमित शाह जब आएँगे वहाँ पर, ऑनरेबल अमित शाह आपका होम मिनिस्टर आएंगे, तो वहाँ पे वो गुड न्यूज़ डिक्लेयर कर देंगे कि वहाँ पे आपका भविष्य क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होने वाला है, वहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा और आपका काम भी ज़रूर होगा। यहाँ पे लिखा गया है विल बी सॉल्व वेरी सून, मतलब बहुत ही जल्द आप लोगों का काम होने वाला है। तो यही था आज के न्यूज़ में, जो आपका अमित शाह के साथ मीटिंग होने वाला था वो फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, ये हिंदी वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ये 1-2-3 पेज दिया हुआ है हिंदी में भी। तो बस यही था, अगर आप लोगों को जाना है महासभा में तो आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर गुड न्यूज़ मिल जाएगा। अमित शाह तो आ ही रहे हैं मीटिंग में, शायद होम मिनिस्टर पीएम भी आ जाए, नरेंद्र मोदी सर भी आ जाए, तो आपको डबल गुड न्यूज़ मिल जाएगा वहाँ पे। आशा करता हूँ तब तक आपका सभी काम पूरा हो जाए, जो भी माल गोदाम में अभी तक आईडी नहीं बनाया सबका बन जाए और सब काम पूरा हो जाए, रजिस्टर वगैरह भी सब सबमिट हो जाए आपका। 17 तक का लास्ट दिया था रजिस्टर सबमिट का, वो भी सब सबमिट हो जाना चाहिए 17 तक में। आप लोग थोड़ा फोर्स कीजिए अपना माल गोदाम का लीडर्स लोगों को, अगर सबमिट नहीं किया है तो उन लोगों पे कार्रवाई किया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा फोर्स कीजिए लीडर लोगों को जल्दी से जल्दी रजिस्टर सबमिट करने के लिए, तो उसके बाद आप लोग हो सके तो महासभा ज़रूर अटेंड कीजिएगा। आप लोग बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कमेंट में आके काम नहीं होगा, तो वो लोग को जवाब मिल जाएगा महासभा में, आप लोग ज़रूर जाइए वहाँ पे आप लोगों को जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो ये जॉब होने वाला है, कंफर्म होने वाला है, महासभा में आपका डिसाइड हो जाएगा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं, वहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। तो यही था जो गुड न्यूज़ सुबह सुबह आया, ताज़ा खबर यही था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे भी आप लोगों को BRMGSS से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।